नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सर्विटी के में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले यूपी टेट एग्जाम 2019 के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं, जांच सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कितना स्कोर आप इसमें कर पा रहे हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं हमारे साथ पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों यदि आपने अभी तक अपनी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण एप्लीकेशन आपकी अपनी एप्लीकेशन टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके माध्यम से भी आप प्रैक्टिस क्विज़ उसमें लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, सॉल्व दिया है, और साथ ही साथ नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, और ये सब आपको एकदम फ्री मिलेगा। तो बिल्कुल आप उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पर्यावरण अध्ययन संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो देखिए ऊर्जा का जो ह्रास होता है 20%, 40%, 80% या फिर 90%। तो यदि हम ह्रास की बात करते हैं तो ह्रास जो होता है वो यहाँ पर होता है वैसे 10%, परंतु यहाँ पर ह्रास न देते हुए कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा पहुँचती है और कितने प्रतिशत ह्रास हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रश्न जो है वो यहाँ पर हल्का सा कुछ चेंज है। तो उस वजह से उत्तर देखिए, हम उसको एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में कितनी प्रतिशत ऊर्जा पहुंचती है, 90%, और ह्रास कितना प्रतिशत होता है, तो 10% ह्रास होता है, और जो कि यहाँ विकल्प में दिया नहीं है, तो हम इस हिसाब से इस प्रश्न को देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जोड़ी दे रखी है, इसे सुमेलित करना है। प्रेरी पंपस वेल्ड डाउन्स ये प्रमुख घास मैदान है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न है तो थोड़ा सा इनको सीधे मिला देते हैं। तो यहाँ पर प्रेरी जो होगा ये होगा उत्तरी अमेरिका, इसके साथ में पंपास जो है तो पंपास होगा अर्जेंटीना, इसी के साथ वेल्ड तो वेल्ड होगा अफ्रीका, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर ऑप्शन सेकंड होगा वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भाग में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना या जैव विविधता की हानि, नगरीकरण या मृदा अपरदन। तो देखिए निर्वनीकरण का जो प्रभाव होगा वो किसकी वजह से नहीं होगा, तो निश्चित ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नगरीकरण, ऑप्शन थर्ड। देखिए मृदा अपरदन बढ़ेगा क्योंकि वन नहीं होंगे, निर्वनीकरण हो जाएगा तो निश्चित होगा। अब नगरीकरण मतलब नगरों का विकास होना, तो निश्चित कहीं ना कहीं कुछ पेड़ जो है वो जरूर कटते हैं, पर हम इतना प्रभाव उस पर नहीं देख सकते हैं। चलिए अगला है, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई है, 1876, 1950 या फिर 2005। तो ये स्थापना हुई है 1876, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमि संरक्षण के जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम क्या है, समुच्च रेखीय कृषि, आच्छादन रोपण या पट्टीदार खेती या फिर सोपान कृषि। तो इस प्रकार की जो खेती होती है उसे हम कहते हैं समुच्च रेखीय कृषि, ऑप्शन फर्स्ट। विश्व जलवायु परिवर्तन पर वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था, नागोया में, क्योटो में, टोक्यो में या बीजिंग में। तो ये हुआ था क्योटो में, ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए, वनीकरण की व्यर्थ भूमि का विकास, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पौधारोपण। सी है लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित और अन्य प्रकार के ईंधनों की पूर्ति, और डी है पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए पीड़क नाशी और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का समर्थन। तो उपरोक्त कथनों में से कौन राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है, ए बी सी, ए बी डी या फिर बी सी डी या फिर ए बी सी डी, मतलब चारों ही। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णता मनोद्भवी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मतलब है कि ये मनुष्य की इच्छा से ही उत्सर्जित हो रही है, मनुष्य के मन से ही उत्सर्जित हो रही है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है CFC जिसे हम कहते हैं, फ्रिज के अंदर, एयर कंडीशन के अंदर, ये गैस जो होती है इनके उपयोग से उत्सर्जित होती है। और मनुष्य चाहे तो इनका उपयोग बंद कर दे तो इसका उत्सर्जन कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, परंतु हम खुद ये नहीं चाहते कि हम फ्रिज का उपयोग ना करें, AC का उपयोग ना करें, तो इस वजह से इस प्रश्न को इस प्रकार बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है, दिल्ली, शिकागो, लंदन या लेंझाओ। तो देखिए दिल्ली के अंदर भी प्रदूषण काफ़ी मात्रा में है, पर यहाँ पर शिकागो भी इसी में शामिल है, ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष को पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है। तो पारिस्थितिक आतंकवादी होता है ऑप्शन फर्स्ट सफ़ेदा, खुबानी, नारियल, ताड़ या फिर ग्रे एल्डर। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा सफ़ेदा, यहाँ पर हमारा उत्तर। सफ़ेदा जो होता है इसे यूकेलिप्टस भी कहा जाता है और इस पौधे को पारिस्थितिक आतंकवादी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है। भू रासायनिक चक्र, जैव रासायनिक चक्र या औषधि चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए शाकाहारी जानवर क्या कहलाते हैं। तो निश्चित ही हम शाकाहारी जानवर को कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता ये कहलाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड होगा हमारा उत्तर। निम्नलिखित अभ्यारण्यों को सही राज्य से सुमेलित कीजिए, गौतम बुद्ध, डालमा, सिमलीपाल, पेरियर। सूची दो में दिया है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और केरल। अब इनके लिए जो कूट दे रखे हैं उनके अनुसार हमें इनको मिलान करना है। चलिए तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड। देखिए ए है तो ए को हमें बी से मिलाना है, गौतम बुद्ध झारखंड, इसी के साथ डालमा बिहार और सिमलीपाल ओडिशा और डी होगा केरल, पेरियर केरल। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी होती है, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं ये उसकी सबसे कमजोर कड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है, मृदा अपरदन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना या फिर ये सभी। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं ये सभी इससे संभावित होते हैं, ऑप्शन फोर्थ होगा हमारा उत्तर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैसें या फिर चंद्रमा। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सूर्य, यहाँ पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। डुंगोंग नामक समुद्र जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है, उभयचर है, बोनीफिश सर्क या स्तनधारी है। तो ये जीव जो है ये एक स्तनधारी है, ऑप्शन फोर्थ। संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है या फिर संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग है। थर्ड है मिट्टी व जल दीर्घकालीन परिवर्तनीय संसाधन है अथवा उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ है संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड, मिट्टी व दीर्घकालीन परिवर्तनीय संसाधन उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पर गलत कथन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो हैदराबाद, लातूर, बेंगलुरु, तमिलनाडु, चेन्नई। तो ये की जा रही है ऑप्शन थर्ड, लातूर, महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट राष्ट्रीय वन्य और वन्य जीव अभ्यारण्य को सूची सेकंड के सीमावर्ती नगर के साथ में सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा होगा वाराणसी, इसी के साथ में करेरा, झांसी, जयसमंद, उदयपुर और नाहरगढ़, जयपुर। इस प्रकार से ये हमारी सूची मिलेगी या बनेगी।
चलिए ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर इसका उत्तर। अगला मेरा क्वेश्चन है, घट बढ़ने के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, सत्ता, अनुपर्ण, प्रणवंत। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, सत्ता। तो इसको हम लिखेंगे पत्ता, क्योंकि जो पत्ता होता है कलश पादप का, ये थोड़ा सा सत्ता लिखा हुआ है, तो ये उसका पत्ता होता है, या पत्ती कह सकते हैं, पत्ती, जो कि एक घड़े के रूप में रूपांतरित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अंग नहीं है? उत्पादक, उपभोक्ता, पोषण स्तर, व्यापार। तो यहाँ पर व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं, ये किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का प्रक्रम है और क्लोरीन की रोगाणुनाष्ठी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनना, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना, या पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर नवजात ऑक्सीजन का बनना। फोर्थ होगा पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोजन का बनना। तो देखिए पानी के अंदर जब हम क्लोरीन मिलाते हैं तो उस स्थिति में उसमें हाइड्रोक्लोरस अम्ल बनता है, ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है ग्रेट साल्ट लेक में, प्रशांत महासागर, मृत सागर, वान झील में। तो ये पाई जाती है मृत सागर में, ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण से अभिप्राय है, तो भूमि, जलवायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। सेकेंड है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति के को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। थर्ड है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतर्क्रिया व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, तो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? वन परितंत्र, फसल परितंत्र, घास स्थल परितंत्र, या अलवणी तथा परितंत्र। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा फसल परितंत्र जो है, ये एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, पूर्वी हिमालय, पूर्व भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, या उपरोक्त में से कौन से जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं? केवल ए और बी, बी और सी, ए बी और सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ई। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक, CO2। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है प्लास्टिक, क्योंकि ये मृदा प्रदूषण का सबसे प्रदूषक पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सिगरेट के धूम्रपान से व्यक्ति में बेंजीन के प्रभाव में आता है और बेंजीन एक ज्ञात कैंसर कारक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? नंबर 7, लैंडसैट थर्ड, या फिर गोज, या फिर टीरोस एन। तो ये ऑप्शन फर्स्ट, नंबर 7। दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ में समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।